हेलो गाइस, आज बन रहा है बॉल फिश। तो यहाँ पर तेल डाल दिया गया है, इसमें नमक डाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉल फिश है, हल्दी नमक डाल दिया जाएगा। इसके बाद हल्दी नमक काली जीरा मिर्ची का पाउडर है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स में मसाला। इसके बाद दूसरे इंग्रेडिएंट्स में है बैंगन, आलू, कटा हुआ प्याज। अभी इसको मैरिनेट करके अच्छे से हल्दी और नमक से अभी इसको फ्राई करा जाएगा। फ्राई करने से मैं थोड़ा सा फूटेगा। आज मैं असल में ना आज संडे, आप लोग सोचोगे कि ये लोग कितने झूठ बोलते, लेकिन असल में ना अभी मिर्ची का पाउडर डाला गया है ताकि थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो। तो आज संडे है, क्योंकि आज कुछ हम थोड़ा सा बाहर, मतलब थोड़ा सा बाहर गए थे, मतलब कई बार नहीं गए थे यार, मतलब थोड़ा सा पापा भी घर में नहीं थे कुछ टाइम के लिए, दो तीन घंटे के लिए, मतलब दोपहर में। और खाना भी वो लोग अब भी आके हमने खाना खाया, वो भी दो मिनट में मम्मी ने पापा ने बनाया। अरे झूठ बोली। मम्मी पापा घर में थे, लेकिन आज वीडियो बनाने का ही मन नहीं कर रहा था, तो सोचा कि वीडियो हमने डाल, अभी तक हमने दिखाया ही नहीं है, छोड़ा भी नहीं है, उनको छोड़ देते ना। आज तो कुछ इतना अच्छा भी खाना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, आलू को हमने लेकिन स्मॉल आलू लिए हैं, स्मॉल आलू 5-6 के जैसे लिए हैं। आप अगर लार्ज पोटैटो हो तो फिर आप 1-2 के जैसे लेने से होगा, और अगर मीडियम साइज के हो आप 2-3 ले, दो तीन ले लेना, ठीक है। मीडियम साइज के हो, अगर बहुत स्मॉल हो तो फिर आप 6-7-8 ले सकते हो। हमने यहाँ पर 5-6 का उपयोग करना है, क्योंकि अगर हम 6-7-8-9 ऐसे करेंगे ना तो ज़्यादा आलू हो जाएगा और मछली का, ठीक है। तो इसलिए तो अभी इसको फ्राई करा जाएगा। तो अभी जैसे कि हमने इंग्रेडिएंट्स दिखाई दिए हैं, जितने आगे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं, अभी ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड ट्राई करना। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के देंगे, हर टाइम हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता यार, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। तो हम सोचते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर भी हम देते हैं, ठीक है। और हमारा लोकेशन अगर आपको पता है, अगर आपको हमारा लोकेशन नहीं पता है तो फिर हम बता देते हैं, मैबांग बाज़ार, ठीक है। मैबांग बाज़ार लिख के देंगे, हम हर समय लिखना भूल जाते हैं, कभी कभी टाइप भी करता है, ठीक है। तो हर समय लिखना भूल जाते हैं, और ठीक है, तो इस टाइम लिखेंगे श्योर। तो आज असल में संडे ही था, तो आज प्लानिंग करा था मम्मी पापा, आज सोचा कि है कौन बनाएगा वीडियो, लेकिन मम्मी है ना मुझे बोलती है कि रोज़, तो कुछ दिन डाटा नहीं रहता है या फिर कुछ दिन मेरा डांस का प्रैक्टिस है। तो वैसे तो मैं स्कूल में जा करती नहीं हूँ, लेकिन घर में ही करती हूँ, कुछ टाइम ही करती हूँ, डाटा सब चला जाता है, डाटा सब चला जाता है। जो ये का मैं गया लेडी हूँ, शाली नहीं था ना, शाली की तरह नहीं बोलता मम्मी, जामा ब्राउन कलर तो माजे को नहीं लगो, पेरेंट्स ला लेडी कोलते लगतो फालतो नामरा निजे लेडी होइते लगो, पेरेंट्स ला लेडी कोलते फालतो नामरा निजे लेडी होइते लगो, তো মা যাইব মা যাইব কিন্তু প্যারেন্টস লাগে না না যাইব যাইব সকালে
আম বাপসি হেলে উড়ি সাতটা না আটটায় আম বাপসি হেলে উড়িয়ে দিতাম হে নো উঠে না হেলে ইটা স্কুল तो अभी ना मैं अपने दादी के साथ बात कर ली कि असल में ना कल टीचर्स डे है तो 8 बजे जाना है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर ली थी। सो अभी बैंगन फ्राई हो रहा है, बोलते बोलते ना आलू फ्राई हो गया। सो मैं दादी के साथ बात कर ली थी, मतलब क्या क्या ड्रेस लगा के जाऊँगी। तो दादी के साथ बात करते करते मुझे नींद भी पकड़ गई, लेकिन अभी नींद पकड़ने से होगा ना क्या। तो दादी के साथ बात करते करते मैंने असल में क्या बात करा वो भी बोल दी थी। असल में हमारा जो टीचर्स डे हो रहा है ना, तो उससे दादी को भी इनवाइट किया था। दादी तो एक टीचर ही है और मेरे पापा भी एक मेडिकल जो है, मेरी मम्मी भी बनना चाहती थी पुलिस, लेकिन असल में ना उस दिन पढ़ाई के चक्कर में मम्मी बना कर नहीं पाई। तो दादी को टीचर है, दादी को टीचर्स डे के लिए इनवाइट करा था। अरे छोड़िए ये सब, दादी को टीचर्स डे के लिए इनवाइट करा था ना, और दादी बोली हाँ मैं क्यों जाऊँगी। हाँ दादी को आरसी लगता है, दादी आरसी नहीं है, सब कोई जाएंगे हमारे फैमिली से। मैंने सोचा था अपने क्यूट स्मॉल ब्रदर को लेके जाऊँ, लेकिन मेरा ब्रदर तो जाएगा ही, उनको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, नर्सरी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो, भाई को बोला भी, मैंने भाई को बोला भी था, मैं बड़े भाई बड़े भैया को, मतलब भाई को, मैं उसको भाई बुलाती हूँ। तो भाई को बोला था कि तू सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर लेना, तो उसने बोला नहीं मुझे सिंगिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, नेक्स्ट ईयर या फिर इसी ईयर कोई चिल्ड्रंस डे होता है तो फिर चलो उसमें। सो टीचर्स डे में मैं डांस कर ली हूँ एंड फैशन शो भी कर ली हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने गाना भी सिलेक्ट कर लिया है, वो कुछ नहीं, चलो जो भी है। चलो अभी ऑलमोस्ट हो गया है। सो और भी दो तीन तीन प्लस तीन सो अभी 8 मिनट, मतलब और भी 3 मिनट के बाद, अभी जाके 3 मिनट के बाद, 3 मिनट नहीं 4 मिनट, 5 मिनट के बाद जाके हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप लोग मुझे सबको ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ, जो भी टीचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स को भी। तो यहाँ पर अभी क्या डाला जा रहा है, फिर प्याज डाला जा रहा है। सो मैंने एक सेकंड में टच कर उसकी, सो गाइस थैंक्स ऑल ऑफ यू, प्लीज सो कल 8 बजे मैं डिस्कस ही कर रही थी दादी के साथ। डिस्कस करते करते दादी ने तो सोचा मैं वॉइस नहीं दे रही, तो दादी ने बोला सो असल में ना मेरा तो एम है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बनूँगी। अभी से मैं सोच रही हूँ, अभी से अगर पढ़ाई अच्छे से करूँ तो फिर डॉक्टर तो बनने का बहुत चांसेस है। तो अगर अभी अच्छे से पढ़ाई करूँ तो डॉक्टर तो अच्छे से बन पाऊँगी। डॉक्टर में एक ही एग्ज़ाम होता है 720 मार्क का, अगर मैं 690 मार्क पा गई पास हो जाऊँगी, 720 मार्क में 720 मार्क ही पाई तो फिर तो पूरा फुल मार्क्स, तो मैं डॉक्टर एक हायर डॉक्टर हो सकती हूँ। लेकिन मुझे ये अच्छा छोड़ो ये सब बात। तो अभी ना कहते कहते हमारा सब कुछ जल्दी गया है,
आलू बैंगन सब कुछ डाल दिया गया है। अभी कहते कहते अभी और 3 मिनट के बाद जब ये फ्राई सब कुछ तो फ्राई हो गया, बस कचरी भी फ्राई हो गया। सो गाइस अभी एक बात बोल दी थी इतने समय तक जैसे पीछे से बात कर दी थी, तो अभी मेन बात करती हूँ कि अगर आप ये ट्राई नहीं करें कभी भी मतलब तो फिर ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा रेसिपी है। सच की बोल रही हूँ, ये ट्राई करने से ना और कुछ मतलब हमने बना के देखा था, तो मैंने थोड़ा सा नहीं मैंने नहीं चखा था, हम तो वेज खा। तो अभी यहाँ पर ये क्या है बे, मुझे लगता है ये रुक जाओ हाँ चालने का। आप ना मैं बोलती थी आपको ऑप्शन देके देती हूँ ये कौन सा हो सकता है। या तो ये दही होगा ठीक है, और या तो ये चाल मगज प्लस इसको ग्राइंड करके पानी के साथ डाले गए, और या तो ये सरसों होगा, सरसों ही होगा पता नहीं हो, मुझे लगता सरसों होगा समझे, तो फिर मुझे तो लगता है सरसों होगा, पता नहीं चल रहा हाँ सरसों ही होगा, या फिर आप समझ लो चावल का पाउडर है, चावल का। तो गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब कुछ कर देना, और एक चीज़ भी कर देना, ये सरसों है हाँ समझ गई मैं, सब कुछ डाला जा रहा है अभी। और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर ले कल, क्योंकि आज और नहीं कर सकता, आज बहुत अलग कर यार। सो गाइस सच्ची बोल रही हूँ तो मेरे फ्रेंड ने बने थे, लेकिन वो लोग मुझे जो भी है चलो अभी यहाँ पर 5 मिनट के लिए धक्का जा रहा है ठीक है। 5 मिनट बाद हम अगर और भी 5 मिनट कर ना ये वीडियो कुछ हो ही ना हो, हमारा डाटा पूरा चला जाएगा और साथ में आप लोग देखोगे भी 13 मिनट का वीडियो है। तो जो भी है देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, हम जितना सकेंगे उतना हम ट्राई करेंगे कि हम ट्राई करेंगे हर टाइम ऐसे वीडियो बनाने के लिए, मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए। सो कुछ दिन से मम्मी वीडियो बना रही है, तो फिर भाई को भी किसी को नहीं दिखा पा रही, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से दिखा पाऊँगी जब मैं वीडियो करूँगी। तो कल में एक वीडियो आएगा पता नहीं किस टाइम में। सो अभी ये देखिए पूरा तैयार है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे देंगे, सब्सक्राइब कर देना, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन लोकेशन भी देखे देंगे, माई बांग बाजार। बाय बाय टाटा, सी यू मिस यू।